पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से एक दिन पहले ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने घोषित की टीम इंडिया की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। स्मृति मंधाना समेत पांच खतरनाक खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह। बताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। इसके अलावा आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वुमेन्स एशिया कप 2024 की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाना है। वुमेन्स एशिया कप 2024 में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 19 जुलाई को ही खेलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाना है। आपको बता दें ये मुकाबला दांबुला में खेला जाना है जो कि शाम 7 बजे से शुरू होगा। एक तरफ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम रहने वाली है जो कि एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। आपको बता दें भारतीय टीम 7 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम होगी। पाकिस्तान की टीम भी बेहतरीन टीम है लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ इस टीम के आंकड़े कुछ खास नहीं है। अभी तक भारत और पाकिस्तान की टीमों ने कुल मिलाकर 14 मुकाबले खेले हैं जिसमें भारतीय विमेंस टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं, वहीं पाकिस्तान विमेंस टीम ने सिर्फ 3 ही मुकाबले जीते हैं। निश्चित तौर पर इस मुकाबले में भी भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ सकती है। विमेंस एशिया कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। आपको बता दें भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर के हाथों में रहने वाली है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। हाल ही में भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात दी थी तो वहीं एकमात्र टेस्ट मुकाबले में भी जीत हासिल की थी। हालांकि T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई थी। अब यहां पर भारतीय टीम एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन करते हुए विमेंस एशिया कप का खिताब जीतना चाहेगी। भारतीय टीम में बतौर ओपनर स्मृति मंधाना भी खेलने वाली है। स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान है। स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में चल रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने बैक टू बैक 2 शतक जड़े थे। इसके अलावा टेस्ट मुकाबले में भी एक बड़ी पारी खेली थी। भारतीय प्लेइंग 11 में सैफ अली वर्मा को जगह दी जाएगी। सैफ अली वर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा अब जेमिमा रोड्रिक्स मिडिल ऑर्डर में खेलती हुई नजर आ सकती हैं। अगर हम भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो श्रियंका पाटिल के अलावा पूजा वस्त्रकार और रेणुका सिंह ठाकुर जैसी बेहतरीन गेंदबाजों को शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो स्मृति मंधाना, सैफ अली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, श्रियंका पाटिल, राधा यादव, पूजा वस्त्रकार, अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह ठाकुर को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।